अधिक अहमद की पत्नी शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस सोमवार से ही छापेमारी कर रही है। कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। इस बीच पुलिस ने चकिया में शाइस्ता के मायके में भी छापेमारी की, जहां से कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ सामान भी बरामद किया गया है। लेकिन कई लोग वहां से संदिग्ध परिस्थितियों में फरार भी हो गए। यूपी पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शाइस्ता परवीन कहां छिपी है, क्योंकि शाइस्ता न तो अपने बेटे के जनाजे में पहुंची और न ही पति और देवर के अंतिम संस्कार में। हर कोई ये समझ रहा था कि अतीत की हत्या हो जाने के बाद शाइस्ता सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्र बताते हैं कि प्रयागराज पुलिस को शाइस्ता परवीन के मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। माना जा रहा है कि वो या तो प्रयागराज या फिर कौशाम्बी बॉर्डर पर किसी जगह छिपी हो सकती है। मंगलवार को प्रयागराज में कई जगहों पर शाइस्ता को लेकर छापेमारी हुई। कुछ लोगों से पूछताछ हुई तो कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि अभी तक उमेश पाल शूट आउट केस की 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन का कुछ पता नहीं चल पाया है। नहीं, शाइस्ता परवीन जी से जो है संपर्क करने की कोशिश की गई थी, जब असद उनके पुत्र के जो है सुपुर्दे के खाक करना था, लेकिन उनसे किसी प्रकार किसी को भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। और रही न्यायालय में किसी प्रकार सेंडर एप्लीकेशन उनकी नहीं पड़ी हुई है और अभी तक उनसे किसी प्रकार संपर्क नहीं हो पाया है। अगर कहीं संपर्क हो पाता है तो आप लोग क्या राय देंगे कि अब सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जो परिवार के दोनों पुरुष सदस्य थे उनकी हत्या हो चुकी है, बच्चों की देखभाल करनी है? जी हाँ बिल्कुल, अगर संपर्क होता है तो उनको यही राय दी जाएगी कि आप जो है न्यायालय में या सरेंडर कर। एक सवाल शाइस्ता परवीन को लेकर है तो दूसरा सवाल गुड्डू मुस्लिम को लेकर, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। पुलिस लगातार छापेमारी तो कर रही है लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। गुड्डू मुस्लिम, क्या जानकारी है सर, अभी तक कहां पर इनकी लोकेशन मिली? ये बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में आखिरी बार लोकेट किया गया। ये इन्फॉर्मेशन गलत है और पर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स पे मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। और गुड्डू मुस्लिम को लगातार एसटीएफ ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, जब भी सफलता मिलेगी आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में अभी भी 3 शूटरों की तलाश है, जिनमें सबसे चर्चित नाम गुड्डू मुस्लिम का है। गुड्डू मुस्लिम अतीत का सबसे बड़ा राजदार है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम चलते फिरते बम बनाने में माहिर है। उसने उमेश पाल और उसके गनर पर बम फेंके थे। 1999 में नारकोटिक्स मामले में वो जेल भी जा चुका है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने गुड्डू मुस्लिम को काफी खतरनाक बताया है। गुड्डू मुस्लिम पर 5,00,000 रुपए का इनाम घोषित है। ये एक अच्छा पुराना कॉन्ट्रैक्ट किलर है। काफ़ी ऐसे मेरा हंच है, प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ अथवा इसका नाम प्रकाश में नहीं आया। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जो इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है और इसलिए ये सिस्टम के लिए, सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है, इसलिए इसको जल्द से जल्द अप्रीहेंड करना आवश्यक है। 24 फरवरी को जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, तब उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक, उसके भाई यशराम, अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे असद, शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। उमेश हत्याकांड के 6 आरोपी अब तक मारे जा चुके हैं। अब पुलिस को अतीक की पत्नी शाइस्ता, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरमान और साबिर की तलाश है। गुड्डू का नाम इस वजह से खास है क्योंकि अशरफ ने मारे जाने से पहले गुड्डू का ही नाम लिया था। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ले गए तो नहीं गए, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इधर पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही थी तो इसी बीच प्रयागराज में फिर एक बार बमबाजी हो गई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के कटरा इलाके में देसी बम फेंका गया। हालांकि इस बमबाजी में किसी को चोट नहीं आई। अब सवाल ये है कि क्या वाकई शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए ये बमबाजी की गई। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।